वीडियो हम देखेंगे कौन सी बोन टाइप है उसकी कौन सी जनरल फीचर्स है इसकी नेटमिकल पोजिशन क्या है कैसे हम उसकी साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं एज वी नो देर आर टू ह्यूमरस बोन इन अवर बॉडी दैट इज़ अर राइट ह्यूमरस एंड द लेफ्ट ह्यूमरस तो कौन से ऐसे डिस्टिंगशिंग फैक्टर्स हैं जो हमें बताएंगे कि हमारा राइट right ह्यूमरस कौन सा है एंड द लेफ्ट ह्यूमरस कौन सा है इसके अलावा हम इसके कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे इस पर कौन सी पर्टरब्रेंसिस हैं कौन सी टिब्रोसिटीज़ हैं कौन सी ऐसे ग्रूब्स हैं जो इन टिब्रोसिटीज को सेपरेट करती हैं और कौन से ऐसे मसल्स एंड द लिगामेंट्स हैं जो कि इस ह्यूमरस को कर रही हैं स्पोर्ट इन अवर लिविंग बॉडी सो लेट्स गेट स्टार्टड एंड ऑल दिस पॉइंट्स विल भी कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो सो की वाचिंग टिल एंड सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमरस तो ह्यूमरस की टाइप पोजीशन इसको हम डिफरेंट फीचर्स में हम देखेंगे लाइक दिस अब ये मेरे पास ये सारे एक ही ह्यूमरस है अब लेकिन ह्यूमरस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है अब कौन सा इसका इंटीरियर सरफेस है कौन सा इसका पोस्टीरियर सरफेस है कैन यू टेल मी तो इन ऑर्डर टू लर्न ऑल दिस की वॉचिंग दिस वीडियो सबसे पहले uh, जो है पोजीशन ऑफ द ह्यूमरस uh, है इट इज़ लोकेटेड इन द आम तो ये है आपकी अपर लिम तो अपर लिम के ये डिफरेंट रीजन बताए हुए शोल्डर रीजन के बिल्कुल नीचे जो आपका आम होगा और uh, ये आपका फोर आम तो आपने कंफ्यूज़ नहीं होना तो आम की जो बोन है दैट इज द्यूमरस और फोर आम में आगे टू बोनस है वो हम नेक्स्ट करें करते जाएंगे साथ साथ तो साइड डिटर्मिनेशन का हमें कैसे पता चलेगा एज यू नो ऑलवेज जो हमारा अपर uh, एंड है ये हमारा हो गया ह्यूमरस तो ह्यूमरस का वी कैन सी इसका एक अपर एंड है इसका एक लोअर एंड है लेकिन जैसे ही हमें एक ह्यूमरस बोन पकड़ा दी जाए तो उसको पकड़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका अपर एंड है और ये इसका लोअर एंड है उसको डिटर्मिन करने के लिए आपको एक एंड पर नज़र आएगा एक सर्कुलर बाल हेमसफेरिकल बाल नज़र आएगा यू नो इट्स नॉट कम्प्लीट इट्स हेमजेरिकल तो जिस साइड पर ये हेमिसफेरिकल बाल होगा वो होगा अपर एंड ऑफ दैट ह्यूमरस उसके बाद लोअर एंड की क्या आइडेंटिफिकेशन है वहाँ पर ट्रोकलिया होगा वहाँ पर कैपिटुलम होगा तो वो होगा उसका लोअर एंड मीडियल साइड का आपको कैसे पता चलेगा ये जो आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस है इट इज़ डायरेक्टेड ऑलवेज मीडियली तो अब ये जैसे ये ऐसे आ गए तो इट इज़ मीडियल डायरेक्शन इसकी तो इसी तरह हमारे पास सर्फेस आइडेंटिफिकेशन अब कैसे पता चलेगा इसका पोस्टीरियर सर्फेस कौन सा है और कैसे पता चलेगा इसका एंटीरियर सर्फेस कौन सा है तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो ट्रोकिया एंड द कैपी टेलर स्पेशली द कैपिटुलम वो हमेशा इंटीरियर सरफेस पर होगा और जो आपका ओलिक्रेन फोसा है वो आपका पोस्टीरियर सरफेस होगा होगा लोअर एंड पर ही ओलिक्रेन फोसा ट्रोकलिया एंड द कैपिटलियम थ्री ऑफ दीज आर आल आर ऑन द लोअर एंड लेकिन जो ट्रोकलिया एंड द कैपिटलियम होगा वो एस्पेशली इंटीरियर एंड पर होंगे ऑफ द लोअर एंड और उसके पोस्टीरियर एंड पर होगा ओलिक्रेन फोसा सो कीप दैट इन माइंड इन ऑर्डर टू डिटर्मिन दाइड्स ऑफ द ह्यूमरस uh, तो इन पॉइंट्स को अगर हमें पता हो तो हम जो है बता सकते हैं वेरी इजिली के कौन सा राइट right ह्यूमरस है एंड द कौन सा लेफ्ट ह्यूमरस है सो लेट्स मूव फर्दर तो यहाँ पर दिखाई गए हैं राइट ह्यूमरस एंड द लेफ्ट ह्यूमरस आर देयर जनरल फीचर्स ऑफ ह्यूमरस देखेंगे तो वी नो इट इज़ अ लॉन्ग बोन इट्स अ टिपिकल लॉन्ग बोन इट हैज़ अ मेडुलरी कैविटी इट हैज़ अ कम्पैक्ट बोन इट हैज़ अ स्पॉन्जी बोन इट हैज़ द मेडुलरी कैविटी नाउ हम देखेंगे जो लॉन्ग टिपिकल लॉन्ग बोन होगी इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं यू यू कैन सी वेरी क्लियरली इट हैज़ एन अपर एंड इट हैज़ अ लोअर एंड एंड इट हैज़ अ शेफ्ट तो आ, आ, इन फीचर्स को अब लोअर एंड कैसा दिखता है अपर एंड कैसा दिखता है शेफ्ट में को, कैसे कौन से फीचर्स हैं इनको हम नेक्स्ट स्टडी करते जाएंगे सबसे पहले हम देखेंगे अपर एंड को तो आपने देखा अपर एंड पर था हेड जो कि स्फेरिकल था हेमी स्फेरिकल हेड था उस पर है टू ट्यूबिर दैट इज अ ग्रेटर ट्यूबिर एंड द लेसर ट्यूबरसिटी एंड टू नेक्स आर देयर दैट इज अ सर्जिकल नेक एंड द एंडटमिकल नेक इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो लेट्स सी इट इन अ टिपिकल ह्यूमरस जो हेड है इट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड्स यू कैन सी इट्स द हेमी स्पेरिकल इट इज योर हेड ऑफ द ह्यूमरस नाउ अब हेड ऑफ़ द द्यूमरस नहीं करना होता है आर्टिकुलेशन करना होती है जॉइंट बनानी होती है कहाँ पर uh, क्लीन आई कैविटी में ये जुड़ जाता है जाकर स्कैपुला में और यू आपका शोल्डर जॉइंट सामने देखने को नजर आता है आपको देना आपके पास टू टू है ए ग्रेटर टिब्रोसिटी है कहाँ पर है ये सारे फीचर्स हैं अपर एंड के हम डिस्कस कर रहे हैं तो ग्रेटर टिब्रोसिटी इज देयर एंड द लेसर टिब्रोसिटी इज देयर तो ग्रेटर टिब्रोसिटी की आइडेंटिफिकेशन क्या है नाम से पता चल रहा है इट इज़ ग्रेटर अब ये एक टिब्रोसिटी है दूसरी तो यू कैन सी ग्रेटर टिब्रोसिटी इज़ बिगर लेकिन ये लेसर टिब्रोसिटी जो है वो छोटी है एज कम्पेयर टू दिस ग्रेटर टिब्रोसिटी तो जो आपकी ग्रेटर टिब्रोसिटी होगी इट इज़ डायरेक्टेड ऑलवेज लेटरली और जो आपकी लेसर टिब्रोसरी होगी इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली लेटरल जो है ग्रेटर का अब जो एंटीरियर मार्जिन होगा इसका बेसिकली ये क्या है लेटरल जो भी स्ट्रक्चर्स लेटरल हैं और जो स्ट्रक्चर्स मीडियल हैं तो जो लेटरल स्ट्रक्चर्स के जो मीडियल बॉर्डर्स uh, होंगे वो जो मीडियल स्ट्रक्चर्स होंगे उनके लेटरल बॉर्डर

मीडियल लिप ऑफ बिसिपिटल ग्रुप ये बिसिपिटल ग्रुप इसके लेटर लिप से कॉन्टिन्यूस है ग्रेटर टिब्रोसिटी और बिसिपिटल ग्रुप के मीडियल लिप से कॉन्टिन्यूस है अपर एंड नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी है ह्यूमरस की तो टू नेक्स आर देयर दैट इज द अनेटमिकल नेक एंड द सर्जिकल नेक जो आपकी अनेटमिकल नेक है वो आपका जो हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसको सेपरेट कर देती है अपर एंड से और जो आपकी सर्जिकल नेक है वो आपका जो पूरा ह्यूमरस uh, है पूरा जो आपका अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस है उसको सेपरेट कर देती है शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस सो कीप दैट इन माइंड सेपरेट अनेटमिकल नेक जो होगी वो हेड ऑफ़ द ह्यूमरस को सेपरेट कर देगी उसकी टू ट्यूब्रोसिटी से भी उसके अपर एंड से भी इसको सेपरेट कर देगी उसके बाद सर्जिकल नेक है वो पूरे अपर एंड को सेपरेट कर देती है फ्रॉम द

आपकी रेडियस और आपकी अल्लाह के साथ तो लोअर एंड पर ऐसे कौन से आर्टिकुलर सर्वे हैं जो कि रेडियस एंड अल्लाह के साथ आर्टिकुलशन कर रहे हैं इसके अलावा क्या है एंड थ्री फोसी क्या है तो, जैसे ये मेरे पास है लोअर एंड ऑफ द अब इस पर मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इनके क्या क्या नाम है ये क्या क्या, क्या करते हैं पार्ट्स so, में है टू

ियर भी है इंफीरियर भी है ये एंटीरियर और इंफीरियर है ओनली लेकिन जो ट्रोकलिया है एंटीरियर भी है इंफीरियर भी है और पोस्टीरियर सरफेस पर भी जाकर थोड़ी बहुत एक्सटेंड होती है तो यू कैन सी कवर द आर्टिकुलेटर पार्ट इन द एंटीरियर इन द इंफीरियर एंड द पोस्टीरियर ऑफ द लोबर इट आर्टिकुलेट विध दोकुलर नॉच ऑफ द अल्ला अब ट्रोकलिया ट्रोकलिया हम कह या भी बो, बो सकते हैं इसको अपनी ट्रोकुलियर प्रोसेस बोल सकते हैं अब जो प्रोसेसिस होते हैं उन्होंने आगे जाकर लॉज करना होता है पोसी के अंदर जैसे जैसे हमारे पास ग्लीट कैविटी थी तो ये बाल था हेड ऑफ था, ह्यूमरस

मिडियल होगा दैट इज योर मिडिल एपिकोडायल ये आपकी होगी कैपिटुलम कैपिटुलम के जो लेटरल है लेटरल है कैपिटुलम तो कैपिटुलम के मजीद लेटरल जो पार्ट है दैट इज योर लिटरल एपीकोडाइल तो जो मिडिल एपिकोडायल है वो मोस्ट प्रोमिनेंट है यू कैन सी इट इज मोर इट्स शोइंग मोर टिपलॉसटी लेकिन ये थोड़ा फ्लैटेंट है तो इस वजह से ये सबक्यूटेनियस भी है और यू कैन फील इट अंडरनीथ योर स्किन और ये मोर प्रामिनेंट विद द लेटरल एपिकोडाइल और इट्स लेस प्रोमिनेंट सो दैट वाज ऑल अबाउट द एपीकोडाइल्स ऑफ द एंड थ्री फोर सी आर देयर दैट इज अलिक्रोनिन फोसा रेडियल फोसा एंड दिकोरेनाइट फोसा अब यहाँ पर टू ऐसे फोसा हैं सबसे पहले आपने देखना है टोक्लिया कहाँ पर है कैपिटुलम कहाँ पर है ये आपका रहा टोक्लिया और ये रहा आपका कैपिटुलम तो कैपिटुलम के जो ऊपर होगा फोसा आपका दैट इज योर रेडियल फोसा ट्रोकलिया के ऊपर जो फोसा होगा दैट इज योर कोरेनाइट फोसा लेकिन यहाँ पर नोट uh, करें जो ओलिक्रेन फोसा है इट इज ऑल्सो अब ट्रोकलिया तो कैसे हमें पता चलेगा अगेन जो ओलिक्रेन फोसा होगा वो हमेशा पोस्टीरियर सरफेस पर होगा बैक ऑफ द ह्यूमरस पर होगा लेकिन जो कॉरेनाइन फोसा होगा इट इज ऑलवेज ऑन द एंटीरियर ऑफ द ह्यूमरस सो दैट वाज ऑल अबाउट द फोसा यू कैन सी कैपिटुलम के ऊपर जो फोसा है ओलिक्रेन फोसा डिप्रेशन है फोसा होता ही डिप्रेशन है लोअर एंड पर पोस्टीरियर सरफेस पर होगा अब ट्रोकलिया ये रहा ट्रोकलिया और ये रहा आपका

दिस इज सॉरी टोकलिया और इसकी अबाव होगा ऑलिक्रेन फोसा इट इज मोर डीपर मोर डी मोर डिपेस्ट ऑफ ऑल द फोसा और उसके बाद हमारे पास है इट आल्सो लाइज अबाउट द टोकलिया लेकिन उसकी इंटीरियर सर्फेस पर यह हमारा रहा रेडियल फोसा इट लाइज अबाउट द कैपिटलम सो दैट वोसी ऑफ द लोअर एंड ऑफ दिन हमारे पास है शेफ्ट तो शेफ के हैं जितनी भी लॉन्ग बॉन्स हैं एक्सेप्ट द कलेविकल उनके थ्री सर्फेसिस हैं थ्री बॉर्डर हैं इसका होगा जो अपर अपर हाफ होगा अब इसको मैं टू हाफ में डिवाइड कर देती हूँ तो जो अपर हाफ होगा इट इज राउंडेड लेकिन जो लोअर हाफ होगा इट इज ट्रायंगुलर। तो हम देख रहे थे शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस तो इसका जो अपर एंड होगा वो है राउंडेड अपर हाफ इज राउंडेड और जिसका लोअर एंड है लोअर हाफ होगा वो ट्राइंगुलर है थ्री बॉडीज एंड थ्री सर्फेसिस कौन कौन से हैं तो लेट सी देम सबसे so, पहले हम देखते हैं इसके बॉर्डर्स तो थ्री बॉर्डर्स आर देयर दैट इज द इंटीरियर बॉर्डर मीडियल बॉर्डर एंड द बॉर्डर हमने पीछे पड़ी टिब्रोसिटीज ग्रेटर टिब्रोसिटी एंड लेसर टिब्रोसिटी जो आपकी लेसर टिब्रोसिटी है और जो आपका है मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल एपिकॉन्डाइल जैसे ये रही आपकी लेसर ट्रिब्रॉसिटी और ये रहा आपका मीडियल तो यहाँ इन दोनों में जो बॉर्डर एक्सटेंड होगा दैट इज योर मीडियल बॉर्डर बॉर्डर उसी लेटरल को देखते हैं ये रही आपकी ग्रेटर और नीचे रहा आपका लेट्रल एपिकोंडायल तो ये जो बॉर्डर होगा दैट इज योर लेटरल बॉर्डर लेट्रल सुपराल रिज भी बोल सकते हैं जो कि आपका लेटरल एपिकोंडाइल है उसके बाद जो थोड़ा सा एरिया होगा दैट इज योर लेट्रपरा कोंडाइलर रिज क्या मतलब लेट्रोली है सुपरा है, है तो, तो इसलिए इस बोलते हैं सुपरा कोडाइलर रिज उसी तरह हमारे पास है इंटीरियर बॉर्डर तो इंटीरियर बॉर्डर जो है आपकी बीसीपीटल ग्रुप बीसी पीटल ग्रुप से ये एक्सटेंड होगा बीसीपीटल ग्रुप का बेसिकली जो लेट्रल लिप है वो नीचे तक अगर जाए तो दैट इज योर इंटीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर की एक और भी मार्केट मार्किशन आप कह सकते हैं वहां पर होगी आपकी डेल्टाइट डेल्टा डेल्टाइट बिरसिटी तो दैट वर ऑल अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ द द्यूमस नेक्स्ट हम सर्फेस देखते हैं तो थ्री हैं एंटीरो मीडियल सर्फेस है एंटीरोटरलियर सर्फेस बेसिकली ये जो टर्म्स अगर आप इनको ही ध्यान से पढ़ लें तो आपको समझ आ जाती है जैसे एंटीरो मीडियल सर्फेस इट इज द सर्फेस बिटवीन द मीडियल बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर तो आपका मीडियल बॉर्डर कौन सा है uh, ये रहा आपका मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज योर एंटीरियर बॉर्डर तो इन दोनों के बीच में जो आपका एरिया है दैट इज योर एंटीरियो To आपका है, ये तो वहां पर नहीं ना होगा ना ही वहां पर बॉर्डर होगा तो इट इज द अब ये जितना भी आपका सर्फेस नजर आ रहा है तो इसकी बैक पर जो सर्फेस है मिडिल बॉर्डर एंड द लेट्रॉर्डर और पोस्टीरियर सरफेस की एक और भी आइडेंटिफिकेशन है वहां पर स्पाइरल नहीं स्पाइरल ग्रूव होगी एंड द ओब्लिक रिजिस आर मार्क्ड देयर तो दैट वर इसमिल्लामान रहम अब देखेंगे हम नर्व दैट कैन रेलटेड टू द्यूरस तो थ्री नव आर देयर दैट कैन भी रिलेटेड दैट इज द सर्कम्प्लेक्स नर्व रेडियल नर्व एंड द अल्ला नर्व अब जो सर्कम्फ्लैक्स नव है वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो है ह्यूमरस पर जहाँ से ये पास कर रही है तो इट पास अराउंड द स सर्जिकल नेक लाइक हेयर हेयर द सर्कम्फ्लेक्स नर्व इज पासिंग एंड दैन देयर आर द रेडियल नर्व एंड दलना नर्व रेडियल नर्व पासिस इन द स्पायरल ग्रूव यहाँ पर पोस्टीरियर सर्फेस में होती है हमारे पास स्पायरल ग्रूव तो जो स्पायरल ग्रोव

अब uh, जैसे अगर तो हमारा ह्यूमरस ब्रेक हो रहा है तो ह्यूमरस के साथ जो रिलेटेड नर्व्स हैं जैसे सरकम नर्व एंथियल नर्व ये भी ब्रेक हो जाएंगी तो उनके ब्रेक होने से क्या होगा नर्व नर्व ब्रेक इज द लॉस ऑफ कंट्रोल देर इज द लॉस ऑफ देश नेक्स्ट हम देखेंगे अटैचमेंट्स ऑफ द ह्यूमरस uh, 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 कुछ अटैचमेंट्स में हम देखेंगे कौन से लिगामेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अटैच हैं और कौन से मसल्स जो हैं वो आके ह्यूमरस पर अटैच होते हैं इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर तो सबसे पहले हम इसकी लिगामेंटल अटैचमेंट्स देखेंगे तो कितने लिगामेंट्स हैं सेवन लिगामेंट्स आर देर कौन कौन से लिगामेंट्स हम इनके पहले नाम देख लेते हैं और फिर बाद में हम देखेंगे कि ये कहाँ पर अटैच हो रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट दैन देयर इज द्रैको ह्यूमरल जॉइंट ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट जिसके सॉरी uh, लिगामेंट Ligament. Ligament कौन सा होगा इसके थ्री इज है सुपीरियर ह्यूमरेंट मिडलो लिगामेंट एंडामेंट हमारे एंड द मीडल इंटरमस्क्यूलर सेन हमारे पास सेवन नंबर पर कैप्सूल है, giant. पे है, न, के है पर बना रहे है वो शोल्डर जॉइंट और जो नीचे जो है डिस्टली वो बनाता है एल्बो जॉइंट में हिस्सा डालता है अपना तो हम देखते हैं ये कौन से लिगामेंट्स हैं जो कि यहाँ पर ह्यूमरस के साथ है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप्सूल ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट तो वो कहां पर होगा अनेटमिकल नेक पर इसको हम करेंगे यहां से <coughs> यहां से हम करते हैं तो जो है हमें पता है कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट में हमें पता है जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है दिस इज द हेड ऑफ़ द ह्यूमरस तो हेड ऑफ़ द ह्यूमरस कहाँ पर जाकर जुड़ेगा टू द कैप्सूल टू द ग्लीन आइड ऑफ द शोल्डर जॉइंट तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक बन रहा है साइनोवियल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट में होती है कैटी एंड इज द कैप्सूल ऑफ दैट दस्पेक्टिव जॉइंट तो ये जो कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट होगा इट इज अटैच टू द नेटमिकल नेक हियर ये है इसका हेड और यहाँ पर नेटमिकल नेक के साथ अटैच होगा

কাকোৰে কহিমৰলি কাম उसी तरह हमारे पास है ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट तो मैंने आपको बताया कि जो ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट है इसकी हमारे पास टू आगे फर्दर जो है वो पार्ट्स हैं दैट इज द सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट अब ये हमारे पास है लेसर ट्यूबरसरी अब लेसर ट्यूबरसरी का ये इसका अपर पार्ट लेसर ट्यूबरसरी के नीचे वाला इसका लोअर पार्ट तो जो है इसका लेसर ट्यूबरसरी के अबव जो लिगामेंट अटैच है दैट इज द सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट उसी तरह हमारे पास है मीडियल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट इज अटैच बिलो द लेसर ट्यूबिर एंड फिर ग्लिनो लिगामेंट जो होगा लोअर पार्ट ऑफ द एनेटमिकल दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ऑफ द एनेटमिकल तो इसके लोअर पार्ट में जो लिगामेंट अटैच है दैट इज द इसी तरह हमारे पास ट्रांस वर्समरल लिगामेंट जो है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ये हमारे पास होगी ग्रेटर चिब्रोसरी लेसर चिब्रोसरी इन दोनों के बीच में जो सर्कस है जो ग्रूव है दैट इज द बिसिपिटल ग्रूव या फिर हम इसको बोलते हैं इंटर टुलर सर्कस तो इस सर्कस पर जो लिगामेंट अटैच होता है दैट इज द ट्रांसवर्स ह्यूमरस लिगामेंट

सुपराकोडायलरी से जो लेटरल होगी वो लिट्रल सुपराकोडाइलर रीज से निकलेगी और जो मीडियल होगी वो मिडियल सुपराकोडायलर रीज से निकलेगी अब हम इनको देख लेते हैं ये कहाँ पर अटैच है तो जो लेट्रल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा है ये हमारे पास मीडियल अपिकोंडाइल मीडियल एपिकोंडायलर के ऊपर क्या रिलेटेड है लोकेटेड है मीडियल रिज जिससे हमारे पास है लेट्रल एपिकोंडाल तो लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर हमारे पास क्या है लेटरल लेट्रल रिज तो जो लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा होगा वो अटैच्ड होगा कहाँ पर द लेटरलर रिज एंड द लेटरल बार्डर ऑफ दें हैंटरल मीडल सुपरकॉन्डायलर एंडल सुपरकोडाइलर रिज को हम रिलेट कर सकते हैं ह्यूमरस uh, के लेटरल बार्डर से और मीडियल सुपरकोन्डाइलर रिज को हम रिलेट कर सकते हैं इट इज ऑन द मीडियल बार्डर ऑफ द ह्यूमरस तो जो लेटरल इंटरमस्क्युलर सेप्टा है वो अटैच टू द एलेट्रल सुपरकोडाइलर रिज पर

ट्रोकलिया इज मिडली एंड कैपिचोलम इज दिट्रली उसी तरह हमारे पास जो है ये देखें इज इसल बॉर्डर के नज़दीक है और ट्रोकलिया इज़ क्लोज टू द मिडिल बॉर्डर अब जहाँ पर जब ये जॉइंट बनाएगा किसके साथ आपकी रेडियस और आपकी अल्लाह के साथ जब यह जॉइंट बनाएगा तो वहाँ पर वर्टिकुलर सर्वेज का जो कैप्सूल होगा दैट इज़ ऑफ द एल्बो जॉइंट वो यहाँ पर आके अटैच होगा दैट टू द द्रकलिया एंड टू द दैपिचोलियम बेसिकली जो कैपीचोलियम एंड ट्रोकलिया है दे आर इन

थ्री मसल्स ग्रह हमारे पास हमें पता है ह्यूमरस पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज़ द लेसर टिब्रोसिटी इज देयर ग्रेटर टिब्रोसिटी इज देयर तो जो ग्रेटर ट्यब्रोसिटी पर कौन से मसल्स आर अटैच हो रहे हैं तीन को आपने एक कह लें निमोनिक है दैट इज द सीट एस आई टी तो इससे एस स्टैंड फॉर द सुपर स्पाइनेटस मसल आई स्टैंड फॉर द इंफ्रास्पाइनेटस मसल या आई एंड द टी स्टैंड फॉर द टेरिस माइनस मसल ये कहाँ पर कहाँ पर अटैच्ड हैं ऑन द ह्यूमरस तो इनको हम देख लेते हैं ये देखें यहाँ पर हमारे पास है ग्रेटर ट्रबरकल तो ग्रेटर ट्रबरकल का जो अपर मोस्ट पार्ट है वहां पर क्या होगा एस दैट इज अप्रास्पाइनेटस मसल देन हमारे पास है इसका मिडल तो मिडिल इंफ्रास्पाइनेटस मसल ग्रेटर ट्रिब्रोसरी का जो लोअर पार्ट होगा वहाँ पर होगा टेरिस माइनस मसल तो डी सीट आ, को हम देख लिया देन हमारे पास तीन मसल्स हैं टी एल पी अब ये ग्रेटर ट्रिब्रोसरी ये लेसर ट्रिब्रोसरी इन दोनों के बीच में जो ग्रुप है दैट इज अ बिसिपिटल ग्रुप तो बिसिपिटल ग्रुप पर कितने मसल्स अटैच हैं तीन कौन से

ये होगी बीसी पिटल ग्रुप बिपिटल ग्रूप का आ, ये लेटरल लिप और जो सॉरी मीडियल लिप होगा मीडियल मिडियल जो हमारा है टर्कल उसके नजदीक होगा और जो इसका लेटरल लिप होगा वो नीचे जाकर मजीद ग्रुप बना देता है तो बेसिकली जो इसका टेरिस मेजर मसल है ये इसके मीडियल लिप में इंसर्ट कर दिया जाता है देन हमारे पास इन द फ्लोर ऑफ द ऑफ द बिसिपिटल ग्रुप एंड द पेक्टोरलिस मेजर दिसर इन द लेटरल लिप ऑफ द दैट इज ऑफ द बिसिपिटल ग्रुप देन मेरे पास है सब्सकेपुलरिस मसल तो सब्सकेपुलरिस ये हमारा रहा लेसर टबरकल तो लेसर टबरकल पर जो मसल आकर अटैच होता है दैट इज अ सब्सकेपुलरिस मसल इसको आप रट लें कि जो लेसर टबरकल पर जो मसल अटैच होता है दैट इज अ सब्सकेपुलरिस मसल देन हमारे पास मसल्स हैं बी सी डी मसल्स तो बी सी डी मसल्स स्टैंड फॉर द

तो ये रही हमारी डेल्टॉइड टिब्रोसिटी तो डेल्टॉइट्रोसिटी पर जो मसल आकर अटैच है दैट इज द डेल्टॉइड मसल उसी तरह हमारे पास क्रैको ब्रेक्यालिस मसल कहाँ आ गया आपका मीडियल ये आपका मिडिल बार्डर हो गया ये आपका हो गया लेटरल बार्डर तो जो मीडियल बार्डर का जो मिडल होगा मीडियल बार्डर के मिडल में दैट मसल इज इंसर्टेड इज द द क्रेको ब्रेक्रलिस मसल उसी तरह जो ब्रकियालिस मसल है एंटीरियर एस्पेक्ट पर आपने पहले ये देख लेना है कि ह्यूमरस का इंटीरियर एस्पेक्ट कौन सा है तो यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा उसका एटीरियर इस्पेक्ट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट एज डिफाइंड बिफोर और

थ्री मसल दैट अराइज फ्राम द सुपरा कोंडाइलर रिज तो सुपरा कोंडाइलर रिज ये हो गया इसका मीडियल एपिकोंडाइल सुपरा ब्रेकियालीस मसल अराइजिसट्रल एपिकों सुपाइलोरिज से कौन से मसल निकल रहे हैं एंड द मीडल सुपरा कोंडाइलोरिज से कौन से so, two, two muscles हैं जैसे ब्रेकियालिस रेडियालिस मसल एंड द एक्सटेंसर कॉर्पी रेडियालिस लॉन्गेस्ट मसल दे अराइज फ्राम द लेट्रल सुपर यहाँ रही लेट्रल सुपरकंडाइलोर रिज एंड लेट्रल एपिकोडाइल के ऊपर क्या है लेटल सुप्राकडाइल

हम यहाँ पर उसका पोस्टीरियर सरफेस निकाल लेते हैं ये यह रहा यहां पर उसने हमें बताया हुआ है। उसका इंटीरियर व्यू ये इसका होगा फ्रंट और पोस्टीरियर व्यू हमारे पास हमारे पास होगा बैक तो जो लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल्स है फ्रॉम द ऑब्लिक रिज ऑब्लिक रिज आपको मैं दिखाती हूँ यहां पर विजिबल नहीं है ये रही तो यहां पर अबली क्रिज ओब्लीक रिज कहाँ से आ रही ग्रेटर ट्रबर्कल से तो जो ग्रेटर ट्रबर्कल का जो ओब्लिक रिज है उसका अपर वन थर्ड पार्ट जो है वो किसको अटैचमेंट देता है लेटरल हेड ऑफ़ द ट्राइसेप्स उसी तरह हमारे पास है मीडियल हेड ऑफ़ द ट्राइसेप्स तो जितनी जितनी भी स्पायरल ग्रूप स्पायरल ग्रू को हम रेडियल ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से रेडियल नर्व पास करती है तो इसलिए इसको हम रेडियल ग्रुप बोलते हैं तो मीडियल हेड ऑफ़ द बाइसेप्स वो पूरा पोस्टीरियर सरफेस पर जो मसल है दैट इज़ द मीडियल हेड ऑफ़ द ऑफ द ट्राइसेप्स उसी तरह हमारे पास है एंड कोनियस मसल तो कोनियस मसल जो है लेटरल एपिकोडाइल जो है आपका आ... ये लेट्रल सुपरकोडाइलरीज तो यहाँ पर होगा लेटरल एपिकोंडाइल तो जो लेट्रल एपिकोंडाइल पर डायरेक्टली जो मसल अटैच uh, है दैट इज द अन्कोनियस मसल इसी तरह थ्री मसल्स जो हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द द एपीकोडाइल फ्रॉम द फ्रंट एपिकोंडाइल फ्रंट एपिकोंडाइल मतलब क्या कि इसके एंटीरियर uh, रिस्पेक्ट से वो मसल्स ओरिजिनेट करेंगे जैसे ये हमारे पास हो गया uh, इसका एंटीरियर uh, पार्ट ये एंटीरियर पार्ट तो एंटीरियर फ्रंट ऑफ द एपिकोंडाइल से दो मसल निकलने द सी एफ ओ एंड द सी ई ओ जो सी एफ ओ मसल है दैट इज अ कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मसल तो वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल हियर इज द मीडियल एपिकोंडाइल क्योंकि ट्रोकलिया मीडियल होता है तो जो ट्रोकलिया के जो बिल्कुल जो है कोंडायल होगा दैट इज द मीडियल एपिकोंडाइल उसी तरह कैपीटल लेटरल होता है तो उसके पीछे जो होगा उसके मतलब उसके एडसेंट जो कोंडाइल होगा दैट इज अटल कोंडाइल तो जो लेटर कोंडाइल से जो मसल निकलता है दैट इज द कॉमन एक्सटेंसल ओरिजिन मसल सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मसल ऑफ द्यूमर एंड टू स्टडी लर्न मोर बोन एंड अटैचमेंट कीप वॉचिंग माई चैनल थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज